कुछ लोग जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं वे लोग हैं कि हम यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे। हिंदुस्तान में कमी है लड़कियों की, सीमा हैदर से ज्यादा खूबसूरत है हिंदुस्तान में। और ये यहाँ धमकी तो दी है, हमारे सामने आया साले भूनकर खा जाएंगे। साजिश तो क्या, लेडीज क्या साजिश करेगी, हिंदुस्तानियों को बिगाड़ सकता है कुछ? कोई नहीं बिगाड़ सकता, ना पाकिस्तान ना पाकिस्तान की आर्मी, कोई नहीं बिगाड़ सकता हिंदुस्तानियों कुछ भी। और उसके साथ भी ऐसी मारपीट होती, उसको जान से मार दिया जाता। खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम मौजूद हैं रबुपुरा गांव में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सचिन का घर है, सीमा हैदर जहां पर रहती थी, और आज ये बंद है। आपको पता है कि यूपी एटीएस जो है सचिन और सीमा को उठा करके ले गई है, पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरफ आप देखेंगे ये गली है पूरा, जब हम एक दो दिन आए थे उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी भीड़ रखती थी। लेकिन इस वक्त उधर भी आपको दिखलाएंगे, इधर दिखलाइए, इधर जो है काफ़ी कम भीड़ है, क्योंकि लोग अब जो है यूपी एटीएस जब से सचिन और सीमा को उठा करके ले गई है तब से लोग बोलने से बच रहे हैं, इस पर बात करने से कतरा रहे हैं। क्या स्थिति है इस वक्त मोहल्ले की आप देख रहे हैं। इसमें अब देखा जा रहा है कि जांच चल रही है तो लोग बचना चाह रहे हैं। पहले जो लोगों की राय थी सचिन और सीमा को लेकर के, पहले यहाँ पर लोग कहते थे कि सीमा को नहीं ले जाना चाहिए, सीमा यहीं रहेगी, लेकिन अब लोगों की राय जो है बदल रही है, इस क्योंकि यूपी एटीएस उठा करके ले गई है, पूछताछ जारी है, इस मामले में अब लोग बचना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमने बात की है कि क्या वो बात करेंगे, हम बात करके देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति रही है और यूपी एटीएस जो उठा करके कब ले गई है। क्या नाम है सर? मोहम्मद अनस है मेरा नाम। अच्छा भाई, कल ले गई है। कल ले गई? हाँ जी। किस वक्त आई थी टीम? 12:30 के करीब में थी मेरे ख्याल में, टाइम तो मैं देख नहीं पाया, थी दोपहर के टाइम ही। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आई थी? कुछ वर्दी था? 5 से 6 गाड़ी थी, सादी वर्दी में थे, सिविल ड्रेस में थे। हाँ, दिखे नहीं कि ये कौन लोग हैं, भीड़ तो लगी रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो क्या जब से यूपी एटीएस जो उठा करके ले गई है, पूछताछ कर रही है, उसके बाद से गांव में माहौल थोड़ा बदला है? नहीं, माहौल तो कुछ नहीं बदला भाई, सब भाई सब एक जगह हैं, हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, ये हिंदू भाई हैं सब, मुसलमान भाई हैं सब, कोई वो नहीं है। मगर असल में एक बात है, लोग इस पर बात करने से कतरा रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, कोई सीमा सचिन पे कोई नहीं कतरा रहा भाई, कौन कतरा रहा बताइए। हमने कई लोगों से बात की, उधर मोहल्ले में गए थे अम्बेडकर नगर में जहाँ पर पहले वो रहती थी, बचना चाह रहे हैं, देखने में आ रहा है कुछ? कोई नहीं बचना चाह रहा, असल में मेन बात यही है, बिना पासपोर्ट के वो यहाँ आई कैसे, मेन बात कोई नहीं पकड़ रहा। बिना पासपोर्ट के कैसे आ गई, फिर शरत क्या है, फिर तो कोई भी जाओ और कोई भी आ जाओ, बताओ शरत का क्या मायना, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, फिर तो कोई जाओ कोई आ जाओ, मैं शरत। अब हम अपने भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। अब वहाँ जाके हम कैसे कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, कैसे कह देंगे? हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी तो रहेंगे भाई, ठीक है। ये इस बात का पता नहीं चल रहा कि बॉर्डर पार से आई कैसे, क्या मकसद है, 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करता हो सचिन दुकान पर रहता, परचून की दुकान है। अब 8 से 10 हज़ार रुपये लेके आदमी नौकरी कर रहा है और पाकिस्तान से उसके लिए सीमा हैदर का हुआ बना दिया, बना दिया नहीं बनाया, आदमी विकास पर तो कोई बात करता नहीं, यही फालतू की बात रह गई। लेकिन पहले जो लोग कहते थे यहाँ पर, मैं भी आया था तो कहते थे, सब नारा लगाते थे और कहते थे कि सीमा को यहीं रहना चाहिए, लेकिन अब जब बात कर रहे हैं कुछ तो... लोग जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं वे लोग हैं, वे कि हम यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे। हिंदुस्तान में कमी है लड़कियों की, सीमा हैदर से ज़्यादा खूबसूरत है हिंदुस्तान में, बताइए। ये तो सब माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, हम ऐसे रखेंगे, हम पाकिस्तान की राजी हो जाएंगे, अब भाई हम नू राजी हो जाए भाई पाकिस्तान की लड़की हम लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। इसके 4 बच्चे हैं, वो अपने घर उस आदमी की नहीं हुई तो सचिन की क्या होगी बताइए, 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहा, उसकी नहीं हुई तो कैसे हो जाएगी, सचिन की नहीं हुई तो उसकी नहीं हुई तो सचिन कैसे हो, फिर सचिन के पास से भी चली जाएगी क्या? अरे भाई, जब जिसके 4 बच्चे उसके पास नहीं रही तो इसके पास क्या रहेगी भाई, कोई भी है जिसके पास खाने को नहीं नहाने को नहीं, मैं ही हूँ, और ऊंचे मिजाज की लड़की आ जाए तो कैसे रुक जाएगी, इस बात का जवाब दीजिए आप। तो लग रहा है आपको कि इसमें कोई साजिश है? साजिश तो क्या, लेडीज़ क्या साजिश करेगी, हिंदुस्तानियों कोई बिगाड़ सकता है कुछ? कोई नहीं बिगाड़ सकता, ना पाकिस्तान की आर्मी, कोई नहीं बिगाड़ सकता हिंदुस्तानियों कुछ भी, 1 से लेकर 0 तक। हाँ, 1 से लेकर Z तक, ठीक है, कोई भी आ जाए, इसमें कोई कितना ही बड़ा धुलंधर है हिंदुस्तानियों, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। ये तो हमें हिंदुस्तान में भाईचारा बना के रखना है,
हम वोट किसी को भी दें, इसमें कुछ नहीं है। मोदी हो, योगी हो, कोई से भी हो, सब विकास करें। ये किससे ख़त्म करें भाई, ये आ गई वो आ गई, उसकी जांच करें। और जो जहाँ का है वहीं अच्छा लगता, ये वहाँ पाकिस्तान में होती तो इतनी पब्लिक यहाँ होती बताइए अब है? बिल्कुल होती, इंडिया में आ गई खामुखा हुआ बना दिया उनको जी, ये आ गई वो आ गई, ये सब गलत बात है। पाकिस्तान से यहाँ सीमा पहुँची, उसके बाद से डाकुओं की तरफ से धमकी दी गई कि मुझे भारत वापस कर दे लड़की को। अभी खबर आई है कि वहाँ मंदिरों पर हमला किया गया है, इस पर क्या डाकू देखते हैं? डाकू क्या बिगाड़ेंगे हिंदुस्तानियों का बताओ? वे चंद आदमी है, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? वे मुट्ठी भर लोग हैं इंडिया के सामने भाई, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बिगाड़ सकते हैं बताओ? वे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे ना, वे कुछ कर सकते हैं? वे तो सिर्फ मीडिया में वीडियो बनाएंगे, हम हिंदुस्तानी का ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आ गई ठीक है, उसे हम प्यार मोहब्बत से सब भारतीय मिल के उसे वापस पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा देंगे। उसकी जो इच्छा है वो गलत है, हमें हिंदुस्तान में उसका हिंदू पाकिस्तानियों का कोई काम नहीं हिंदुस्तान में भाई। वो सीमा हैदर है या कोई भी है, यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ कोई काम नहीं है। अगर सरकार अगर चाहती है कि उसको नागरिकता दे दिया जाए, दे दे सरकार तो नागरिकता दे दे तो रह लो, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता ही दे दी तो दिक्कत क्या रहेगी भाई? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें क्या दिक्कत है भाई बताइए आप? नहीं है कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारा बना के। ये सीमा हैदर ये सब खामुखा की बात है। सिर्फ एक ही बात पॉइंट पकड़ो कि वो बॉर्डर पार से आई कैसे, आई क्या कर रहे थे वहाँ सब लोग? एक लेडी इसी पे तो सवाल उठ रहा है कि आखिर वो बोलती है कि पांचवाई तक पढ़े हैं और इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस हुआ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, ये सब कैसे कंप्लीट हुआ? इसके पीछे कौन था? क्या किसी का हाथ है? बॉर्डर तक कोई पूछताछ नहीं हुई, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। होने भी चाहिए भाई, बॉर्डर से इतनी एक लेडीज, चार बच्चे भी हैं, चार बच्चे लेडीज बॉर्डर पार से यहाँ आ गई तो हम क्या वहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? फिर कोई एक आदमी है किसी के घर में एंट्री करता, गैर आदमी, मैं हूँ मोमडन हूँ कि मैं इनों के घर में एंट्री करता हूँ सीमा इधर के, तो हर आदमी करते यार कौन है, क्यों आया, क्या बात है, हर आदमी पूछता। इतने बड़े बॉर्डर पर किसी ने पूछी नहीं है क्यों आई, कैसा आई, चार बच्चों को लेकर। भाई देखो सर, सरकार ने भेजी हो, पाकिस्तान सरकार ने ही यहाँ पर सीमा इधर को भेजा हो, कोई भी साजिश रच के भेजा हो सीमा इधर को यहाँ पे इंडिया में, तो उसकी जांच भी होनी जरूरी है, जांच भी होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसे वहाँ वापस भेजा जाए। जांच तो, चल रही है जी, जांच तो होनी चाहिए जी। कोई आदमी किसी के मकान में है तो कोई कहीं भी जाता है उसकी जांच होनी चाहिए, कोई क्यों आई, क्या बात है, उनका यहाँ क्या काम। लेकिन जब सीमा यहाँ पाकिस्तान से आई, लेकिन एक अगर मान लेते हैं कि कोई लड़की आ जाती है, प्यार करती है यहाँ, अगर उसको इस देश को कबूल भी कर लेता है ये देश, लेकिन यहाँ इसका इसकी गलती को बाकी वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ उस पर क्यों, वहाँ के हिंदुओं पर हमला क्यों यहाँ पर? वह तो गलत है, जो आदमी मंदिर फोड़ रहा है, किसी का भी कुछ भी है, जो मंदिर फोड़ रहा है पाकिस्तान में, वे गलत सिग्नल देना चाहते हैं, हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं कि भाई देखो हम पाकिस्तान में मंदिर फोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में मस्जिद तोड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा काम। ये नीच लोग करते हैं, कोई भी है, इनके कोई धर्म नहीं होता जो मस्जिद और मंदिर तोड़ता है, इसमें कोई भी है, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, मस्जिद और मंदिर तोड़ने का मकसद क्या है बताओ? एक जरासी सी लेडीज उठा कर पाकिस्तान में फेंक दो, इतना लंबा बवाल क्यों करा है बताइए आप? हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता, हर आदमी प्यार मोहब्बत से देखते, देखते नहीं देखते, वो भी एक प्यार मोहब्बत की बात है सारी, ये सब गलत है। वे जो तोड़ रहे हैं मंदिर, ये गलत कर रहे हैं बहुत, इसे इन्हें इसका हर जाना, वही बात आ जाती, फिर हम कहते हैं गुस्सा आता हमें, भुगतना पड़ेगा उन्हें भाई, जब मंदिर तोड़ेंगे तो भुगतना पड़ेगा उन्हें, तो ये सब लड़वाने वाली शादी से और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? क्या देखना बताओ, ये जो पूरा प्रकरण सामने निकल कर के आया है, सीमा पाकिस्तान से आ गई है, जैसा कि मैंने इनसे भी सवाल किया, वहाँ जो है अब खबर आ रही है कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है और धमकी दी जा रही है। ये तो बात सही है कि धमकी दी जा रही है, अगर ये मंदिर वाली बात है, ये फेक बात आ रही है, अभी तक सुनने फेक आई है, कई न्यूज़ चैनलों ने रिपोर्ट किया है। हाँ फेक सुनने में आई है अभी तक तो फिलहाल में, और यहाँ धमकी तो दी है, सही है ये बात गलत है, सही कैसे हो जाएगी? हमारे सामने आया साले भून के खा जाएंगे हम तो।
हम का डर है किसी से। सीमा की गलती मान लिया, चलिए एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि गलती किया उसने, गलती क्या, पाकिस्तान से भारत आ गई, सचिन से प्यार करती है, उसकी जो है गलती को दूसरे को खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। कोई को भुगतेगा उसकी गलती, उसको मिलेगी ना, उसके साथ ही बांधी जाएगी उसकी गलती। सीमा को वापस भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाएगा और क्या, जांच चल रही है, जैसी बात होगी वो तो सरकार करेगी ना, अगर हमारा हाथ में होती तो हम तक तो अब तक तो भेज देते हम तो। कैसे देखते हैं अगर सचिन पाकिस्तान जाता है, जैसे सीमा भारत आई है, उसकी क्या स्थिति होती सचिन की पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बहुत बुरी स्थिति होती है सचिन भाई की, अगर देखे जाते अपने हक, क्या वहाँ की सरकार चाहती कि इसे भारत वापस भेज दिया जाए। हमें तो लगता नहीं वहाँ की सरकार भेज देती वापस, क्या हाल होता। ये तो भाई सचिन के साथ बीतती वही बताता, अगर हमारे साथ भी अंदाजा क्या लगा रहे हैं, अंदाजा क्या लगा, मैं इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। जो अभिनंदन के वही होता है, जो अभिनंदन के साथ हुआ था वही होता उसके साथ भी। क्या हुआ अभिनंदन के साथ? अभिनंदन को मारा पीटा और उसके साथ भी ऐसी मारपीट होती, उसको जान से मार दिया जाता। तो मतलब सीमा यहाँ आई है तो भारत में ज़्यादा सुरक्षित है वो। हाँ सचिन अगर जाता पाकिस्तान उसके कंपैरिजन में देखे तो। हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, सचिन की जान को खतरा हो सकता था पाकिस्तान जाता तो, जैसे सीमा आई है बिल्कुल खतरा हो सकता था। आप क्या बोलते हैं सर, आप क्या कैसे देखते हैं इस मामले को? सर देखना क्या यही है कि मान के चलिए जस्ट यही उल्टा होता, सचिन चला जाता पाकिस्तान जी, क्या होती स्थिति? स्थिति यही होती सर, वो तो वापस आने नहीं देते, शायद मार भी देते, इसमें कोई शंका नहीं है। पाकिस्तान तो एक जैसे यहाँ पर सीमा को रखा जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, क्या सचिन को वहाँ शायद सर वहाँ पर नहीं मिल पाता, वहाँ पर यह प्यार नहीं मिल पाता जो यहाँ पर मिल रहा है। हिंदुस्तान तो एक बहुत सीलवंत देश है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ पर ये सब नहीं है जी सर जी। बाकी क्या कहेंगे वहाँ पर जो हमले किए जा रहे हैं उस पर? हमले के लिए तो सर ऐसा कुछ अभी सुना नहीं है, और फेंक न्यूज़ है क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, शायद ये फेंकी न्यूज़ होंगी। नहीं कुछ चैनलों ने रिपोर्ट किया है इसको, तो हो भी सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है। सही है ये? सही हो सकता है सर ये। नहीं ये काम करना सही है? नहीं जी गलत है ये, ये गलत है, जो भी ये लोग कर रहे हैं हिंदू उनके साथ में जो कर रहा है उसी को सजा मिलनी चाहिए, सबको ना मिलनी चाहिए इसके लिए, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसका उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, कर रहे हैं तो उनको भुगतना भी पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा उनको जी सर। राजी राजी गैर राजी भुगतेंगे वो, अगर यहाँ पे कुछ भी अगर उसको हमारे सचिन को कुछ आ चाहती तो हम तो बदला ले लेते, अब तक सचिन को कुछ होता तो आप बदला लेते और क्या, हम नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो वही स्थिति तो वो लोग भी कह रहे हैं कि सीमा गई है तो हम बदला लेंगे, फिर आप में उनमें फ़र्क क्यों ना है, हम मोहब्बत में करते हैं ना, वो इससे इस चक्कर में तो रह रही, हम प्यार करते हैं सचिन से हिंदुस्तान से उससे, इस चक्कर में तो फ़ायदा उठा गए वो प्यार का, वो कहते हैं एक समझौता है, इसका फ़ायदा उठा गई वो, और का फ़ायदा उठा रही है वो, अंधेपन का फ़ायदा उठा रही है, सचिन भाई को क्या पता क्या उसके साथ में क्या होता है। सचिन मासूम है, इसमें मासूम है दिखने रही आपको, 18-20 साल का लड़का है सब लोग, मासूम ही है वो, 18-20 साल का लड़का है वो। सर इसकी तो बॉर्डर पे भी जांच होनी चाहिए, कैसे आई, किस प्रकार से आई है, क्यों आई है, कैसे निकल आई वहाँ से। अब तो आ गई है तो अब जांच हो रही है कि क्या वो जासूस है, किसी से उसका लिंक है ये सब। जी सर जासूस है तो उसको उसका मतलब जो दंड मिलना चाहिए, और जैसे भी है उसे उसके पास सुरक्षित वहाँ पर पहुँचाया जाए, ये यहाँ पर सही नहीं है। चलिए तो फिलहाल जो है आपने सुना कि सचिन अगर पाकिस्तान जाता तो उसकी क्या स्थिति होती, सीमा हिंदुस्तान आ गई है तो उसे कितना प्यार मिल रहा है, और बाकी अभी जो है मामला जो है UPATS के हाथ में है, पूछताछ हो रही है, यहाँ पर सन्नाटा है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि खौफ का माहौल है, लोग बात करने से कतरा रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने बात किया है आपने सुना है, और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।